जांच एजेंसियां स्वतंत्र होती हैं, उसमें सरकार से कोई लेना देना नहीं होता है। श्री अखिलेश यादव जी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है, ये उनसे पूछिए। आजम खान के ठिकानों पर छापे क्या पड़े, सियासत गर्मा गई। सरकार इसे जांच एजेंसियों की कार्रवाई बता रही है तो विपक्ष घोसी हार से जोड़कर देख रहा है। इस बीच दूसरे दिन भी इनकम टैक्स की छापेमारी जारी है। अब इतनी बड़ी टीम कहीं जाएगी तो खबर बनेगी ही, और इसे लेकर सवाल भी पूछे जाएंगे। तो बस डिप्टी सीएम केशव प्रसाद से भी मीडिया ने पूछ लिया कि कहीं सरकार की तरफ से विपक्ष पर प्रेशर बनाने की कोशिश तो नहीं की जा रही। इसके जवाब में केशव प्रसाद ने क्या कहा, आप भी सुनिए। जांच एजेंसियां स्वतंत्र होती हैं, अगर कहीं उनको कोई सुराग मिलेगा तो अपना जांच करती हैं, छापे डालती हैं, उसमें सरकार से कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन ये श्री अखिलेश यादव जी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है, ये उनसे पूछिए। मतलब छापा आजम खान के घर पर रहा है, मगर डिप्टी सीएम अखिलेश यादव के पेट में दर्द करा रहे हैं। अब सब जानते हैं कि आजम खान सपा के बड़े नेता हैं और हमेशा से बीजेपी के निशाने पर रहे हैं। ऐसे में पिछले 24 घंटे से ज्यादा वक्त से जारी छापों पर अखिलेश ने भी ट्वीट कर सरकार को घेरा था और इन छापों को कमजोरी की निशानी बता दिया था। अखिलेश ने अपने ट्वीट में लिखा, सरकार जितनी कमजोर होगी विपक्ष पर छापे उतने बढ़ते जाएंगे। अखिलेश के अलावा समूचे विपक्ष में आजम खान पर हुई छापेमारी की सुगबुगाहट है और अब सभी एक सुर में कह रहे हैं कि घोसी चुनाव हारने की खीज बीजेपी कुछ इस तरह निकाल रही है। इनका जो ये सोच है ना कि किसी तरीके से जो विपक्ष के लोग हैं इनको कुचल दिया जाए। अब मैं पूछना चाहता हूं कि ईडी का नोटिस उस दिन क्यों आना चाहिए जब कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग है, दो दिन बाद नहीं दे सकते थे, उसी दिन दिया जब कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग है, किस सोच के साथ दिया? क्योंकि ईडी भी राजनीतिक सोच के साथ आगे चल रहा है। और घोसी हारे तो आजम खान के ऊपर छापा, समाजवादी जीती तो आजम खान के ऊपर छापा। तो ये तो इनका पॉलिटिक्स ही है कि एजेंसीज को के द्वारा आप लोगों को गिरफ्तार करो। दिल्ली में बैठे हुए लोग हताशा में ये सब कदम उठा रहे हैं। मोहम्मद आजम खान के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार के इशारे पर पहले ही सैकड़ों मुकदमे कायम किए गए, फर्जी मुकदमे कायम किए गए। वैसे इसमें भी कोई शक नहीं कि घोसी उपचुनाव में बीजेपी जीत की पूरी उम्मीद लगाए बैठी थी, मगर अफसोस कि जनता ने अपना फैसला सपा की ओर सुना दिया। अब फिलहाल तो बीजेपी अपनी हार पर मंथन कर रही है और सपा इस जीत से गदगद 2024 की रणनीति सजा रही है। मगर इस बीच आजम खान के 6 अलग अलग ठिकानों पर पहुंची इनकम टैक्स और ईडी की टीम ने एक नई ही चर्चा छेड़ दी है। खैर, देखते हैं कि छापेमारी में एजेंसियों के हाथ क्या लगता है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।